इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से चारों तरफ से एक एक पिन पे आप सोल्डर कर दीजिए, यानी कि टांका लगा दीजिए, जिससे कि कंट्रोलर आपकी इधर उधर हिले डुले नहीं। ठीक है, ये देखिए जिस तरीके से लगा रहे हैं। चारों तरफ से एक एक पिन, दो दो पिन पे ये देख रहे हो आप लोग, आयरन की मदद से टांका लगा रहे हैं। उसके बाद हॉट गन का इस्तेमाल कीजिए, जिस तरीके से देखिए आप लोग किस तरीके से ये कंट्रोलर को सेट कर रहे हैं, इस तरीके से सर सेट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को सेट कर देंगे तो आपकी कंट्रोलर बिल्कुल ठीक ओके लगेंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये पेस्ट लगा रहे हैं इस पर चारों तरफ, जिससे कि इसके पिन जो हैं सभी आप बढ़िया तरीके से सेट हो सकें। और अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, किस तरीके से इसको सेट करते हैं। और पहले इन्होंने देखा, आपने देखा कंट्रोलर को सेट कर लिया है, एक दो तीन पिन हैं जो आयरन से होती हैं वो सेट कर ली हैं, जिससे कंट्रोलर आप देखो अपनी जगह से हिलेगी डुलेगी नहीं। ठीक है, और आप देखिए किस तरीके से लगाएंगे अब ये। ठीक है, मशीन चालू हो चुकी है हॉट गन SMD आपकी, और अब देखिए आप लोग किस तरीके से इसको आपको कंट्रोलर पे फेरानी है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो किस तरीके से इस पर SMD ये फिरा रहे हैं। देखिए आप लोग, ठीक है, ये कंट्रोलर इन्होंने फिरा दी, और देखिए कंट्रोलर बिल्कुल एक्यूरेट लग चुकी है। देखिए करीब से दिखाऊंगा, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसके ऊपर जो भी है थोड़ा इसको साफ करेंगे, उसके बाद ही आपकी कंट्रोलर सेट हो चुकी है, यानी इसी तरीके से आप लोगों को कंट्रोलर इसमें सेट करनी है, लगानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आप लोगों को और वीडियो बनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा इसी तरीके से। मैंने आज आप लोगों को कंट्रोलर लगाना सिखाई है किस तरीके से लगती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।